सो गाइज वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइज फ्रैंकलिन ट्रेवर और लेशर अभी इस आइलैंड पे हैं जो हमने डगन बोर्सोगैनो से छीना था। तो अभी मुझे उसी एयरपोर्ट से कॉल आई है कि यहाँ पे कुछ बंदे आए हैं, तो मुझे शक पड़ा कि डगन बोर्स और जो अंडर वाटर माफिया था ना वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं, और अगर वो यहाँ पे आ गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो गाइज़ ये इस घर को तो आप जानते ही होंगे, ये हमने यहाँ पे आके सबसे पहले मतलब कि ना ये सबसे पहला काम ये किया था, इस घर को बनवाया था। तो अभी जल्दी से यहाँ से एयरपोर्ट पास में ही है, इतना दूर नहीं है, तो लेकिन फिर भी मुझे जल्दी जाना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन है। तो गाइज़ वहाँ पर चलते हैं अपनी जी वैगन को भगा के, और यहाँ पर बिल्कुल पास ही मैं आ चुका हूँ, और इस टावर पर खड़े होकर उन्होंने मुझे कॉल की थी कि यार यहाँ से देखा था कि प्लेन के ज़रिए कुछ बंदे यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब पता नहीं कौन है, जाके दे। और गाइज़ वहाँ पर देखो यार वो हेलीकॉप्टर भी दो से तीन खड़े नज़र आ रहे हैं। तो मैं अभी जल्दी अपनी स्नाइपर निकालता हूँ और देखता हूँ कि कौन लोग हैं। तो गाइज यहाँ पे तो ये पूरी फौज आई हुई है, लेकिन ये मुझे कोई डगन बोस और अंडर वाटर माफिया तो नहीं लग रहा, और एक प्लेन नीचे और दो हवा के अंदर हैं। तो इनके पास जाके देखते हैं कौन है, अगर वो उन दोनों में से कोई एक भी हुआ तो यहाँ पे मतलब फ्रैंकलिन की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। तो अभी पर जल्दी से मुझे अपनी जी वैगन को भगाना पड़ेगा और इनके पास जाके देखते हैं कौन है। तो अभी इनके पास चलते हैं, यार मुझे अभी तक नहीं समझ आई, लेकिन ये तो शो पक्का हो गया कि वो तो उन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो गाइस यहाँ पे जाके कोई नया ही बंदा है, यहाँ पे जाके से बात करते हैं कि ये हमारे इस आइलैंड पे क्या कर रहा है। इस बंदे को मैंने पहले तो कभी नहीं देखा, और इन सभी के सभी लोगों ने मेरी तरफ एम पता नहीं क्यों करके रखा हुआ, और ये देखो किस तरह गाड़ियों के ऊपर भी खड़े हुए हैं, और वो आई थिंक ऊपर नहीं वो नहीं है। तो गाइस ये कोई बंदा है, तो मैंने इससे गाइस बात किया, इसने मुझे बताया कि यार मैं ना फ्रैंकलिन का मतलब ट्रेवर का सॉरी के फादर हूँ। तो पर मैंने इस पे यकीन नहीं किया, इसने कहा कि यार तुम ट्रैवल को कॉल करो और उसको यहाँ पे बुलाओ, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। तो इसको बंदे को मैंने पहले कभी देखा तो नहीं है यहाँ पे। तो गाइज मैंने ट्रैवल को कॉल कर दिया, वो यहाँ पे अपनी गाड़ी पे किसी भी टाइम आ जाएगा, और इन्होंने अभी भी मुझ पर एम किया हुआ, पता नहीं क्यों क्या वजह, लेकिन इस बंदे को हमने पहले कभी भी अपने शहर के अंदर भी नहीं देखा था। तो गाइज यहाँ पर ट्रैवल आ चुका है, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी लेके आया हुआ है, तो इसने खुद ही बनाई है गाइज, ये गाड़ी इसने खुद ही तैयार करवाई है। तो इसको गाइज मैंने उस ड्राइवर को उसके पास भेजा है, तो मुझे समझ नहीं आई इसका जो इसको कहते थे यार ये मेरा फादर है, मतलब कि वो बताया था कि मेरा बेटा, उसने ही इसकी तरफ एम किया, और इसने मुझे बताया कि यार ये कुछ दिन पहले ना यहाँ मतलब कुछ अर्सा पहले ये हमसे लड़कर आ चुका था, मतलब कुछ अर्सा से मुराद काफ़ी साल पहले, तो अब तो ये ड्राइवर बड़ा हो गया। तो ड्राइवर ने भी कहा कि ये मेरे पापा हैं। तो अभी गाइज इन दोनों को लेके हमें जाना पड़ेगा शहर के अंदर, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हुई है कि हमारे पास हमें एक और गैंग मिल गया। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, तो इसके पापा तो नहीं आए, वो कहते यार मैं खुद ही आ जाऊँगा, तुम लोग निकलो। तो अभी अपना प्लान लेके निकलते हैं। तो गाइज मैं आपको बता रहा था कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ये गैंग भी हमारे साथ मिल चुका है, तो अब हम डगन बोस और अंडर वाटर जो माफिया था ना उसको आराम से मार सकेंगे। तो गाइज अपने इस प्राइवेट जेट पर चलते हैं हम अपने शहर में, और जाके वहाँ पर देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो गाइज यहाँ पे हमारी लैंड क्रूजर काफ़ी अर्सा हो गई खड़ी थी, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ना ये सर्विस होने वाली है, तो देखो इसमें ये बहुत ज़्यादा जोर ले रही है, तो काफ़ी अर्सा हो गया इसको खड़े किए हुए, तो अभी इसका भी काम करवाएंगे तभी ये चलेगी ज़्यादा। तो अभी ये बहुत ज़्यादा ही जोर ले रही है, तो अभी सीधा हमें माइकल के घर जाना है, वहाँ पे हमें कुछ काम है, तो यहाँ से बहुत ही शॉर्टकट उसका उसके घर का रास्ता है। तो फ्रैंकलिन को इस शहर के बहुत सारे रास्ते पते हैं, तो कहीं से भी निकल के हम हाईवे वाली साइड पर भी निकल सकते हैं, मतलब हर शॉर्टकट इसको इस शहर का पता है। तो गाइस हमें यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके एक ऑफ रोडिंग वाली जगह आएगी, वहाँ से ये बिल्कुल सामने, अरे यार ये फिर मोड़ के लेके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने गाइस इसकी ब्रेक का भी कोई हाल नहीं है, तो मैंने आपको बताया ना इसकी सर्विस करवाने वाली हुई है तभी इसकी ब्रेक नहीं लगी। तो गाइस यहाँ पे हम माइकल के घर की तरफ तो आ गए थे, तो यहाँ मैंने थोड़ा दूर से देखा, यहाँ पे बहुत सारा धुआं निकल रहा था, और ये देखो यार माइकल के घर में काफ़ी सारा ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन पता नहीं है कैसे हो रहा है। तो इसको थोड़ा करीब से जाके देखते हैं, ये पता नहीं किस तरह उसका जो हमने नया शोरूम बनाया था वो भी सारा जल के राख हो चुका है। तो गाइज़ यहाँ से अभी निकलते हैं, और मैं पहले अपने घर जाके देखता हूँ, मतलब फ्रैंकलिन के घर की तरफ जाके देखते हैं कि उसका घर भी बिल्कुल पास में ही है, तो अगर तो उसको भी कुछ हुआ तो इसका मतलब है कि ये सीधा का सीधा डगन बोस का ही काम है। तो अभी ये गाइज़ मैं अपने घर वाली साइड, अरे ये देखो यार ये भी उसने जला दिया, और इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, मतलब फाइल्स वगैरह भी थी हमारी, और काफ़ी कुछ था हमारा इसके अंदर। तो अभी अंदर जाने की ट्राई करता हूँ, शायद वो बच गई हों, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बची होंगी, तो पहले मैं अंदर वाली साइड पे जाके देखता हूँ।
अरे एक सेकंड तो गैस, अरे अरे नहीं 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 अंदर नहीं जा सकते हम गैस, अगर अंदर गए तो फ्रैंकलिन को भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं गैस। कुछ कैश भी था इस घर के अंदर लेकिन वो भी जल के राख हो गया। तो गैस मुझे अभी लेस्टर का मैसेज आया मोबाइल पर, उसने मुझे बताया कि TLMC का एक बंदा है जो पुलिस वालों ने एक जगह पे पकड़ के रखा हुआ है, तो मुझे उसको छुड़ाना है किसी भी तरह, क्योंकि उससे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ये काम किसने किया। तो गैस मैं यहाँ पर तकरीबन आ चुका हूँ, यहाँ पर ये साइड पर कितनी ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ, और वो देखो यार उन्होंने एक बंदे पर एम किया और मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये वही बंदा होगा। तो मुझे अब एक ही शॉट में मतलब कि ना ये मैंने मशीन गन निकाल लिया ताकि कोई भी बंदा ना बचे। तो गैस मैंने फायरिंग शुरू कर दी है इन पर, सभी इनको मैंने तकरीबन मार दी, और इधर वही साइड पे भी पुलिस वालों ने भी मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी है। ये एक ये बंदा और एक आई थिंक पीछे होगा। तो गैस इसके पाँव पर भी गोली लगी है, लेकिन इसको हम यहाँ से ले कर आते हैं, इसको गन पॉइंट पर ले कर आना पड़ेगा कहीं ये भाग ना जाए, लेकिन ये कहीं जाता नहीं है। तो अभी इसको जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठाते हैं और यहाँ से लेके निकलते हैं, और गाड़ी चलाते वक्त भी इस पे मुझे एम रखना पड़ेगा ताकि ये कहीं गाड़ी से ना कूद जाए। तो अभी इसको लेके जाके चलते हैं, इससे पूछताछ करते हैं, अगर इसने हमें कुछ ना बताया तो इसको हम आज मार ही देंगे। तो इस पर पहले एम करता हूँ मैं, इसको पहले थोड़ा डराते हैं। ये पीछे वाला शीशा गाइस मैंने इसीलिए तोड़ा ताकि थोड़ा सा एम इस पर मतलब गोली शोली चलाऊँ, इसको पता लगे गन निकली नहीं है। तो गाइस यहाँ पर इसको ले कर निकलते हैं। तो गाइज अभी हमें सीधा जाना है लेस्टर के पास, उसने कहा कि यार इसको मेरे घर पे लेके आओ, इससे पूछताछ करते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये हमें कुछ बताता भी है कि नहीं। तो गाइज ये देखो यार पुलिस वालों ने मुझ पर फायरिंग भी स्टार्ट कर दी, ये पता नहीं कहाँ से एकदम आ गई है, ये देखो ये भी आ चुकी है। तो गाइज इनसे भी हमें बचना पड़ेगा क्योंकि पुलिस वाले तो इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ पर कहीं आगे नाका ना लगाया हो बस इन्होंने, ये दिक्कत। अरे ये देखो यार कहाँ कहाँ से आके मेरे अंदर टक्कर मार रहे हैं ताकि कहीं से मुझे रोक लें। तो गाइज अगर मैं इनके हाथों आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और जो हमने जो प्लान बनाया वो सारा का सारा चौपट हो जाएगा। तो गाइज अभी गाड़ी को लगाते हैं अंदर, और गाड़ी किस तरह की हुई पड़ी है आपके सामने है। बिल्कुल बाइट निकाली थी घर से और अब देखो किस तरह की हुई पड़ी है। तो गाइज यहाँ पे गाड़ी को पार्क करते हैं, जगह तो नहीं उतने की लेकिन हम उतर जाएंगे, इसको भी जल्दी से उतारते हैं। और इसने हमारी गाड़ी का शीशा तो फोड़ दिया, लेकिन कोई नहीं, अब इसको आराम आराम से वहाँ से उतारते हैं। ये दूसरी साइड से उतरेगा नीचे, अगर ये भागने की कोशिश करेगा तो हम इसको मार ही देंगे। तो अभी इसको अंदर ले कर चलते हैं। तो गाइज इसको मैं कमरे के अंदर ले आया था, मैं बेसबॉल वाला बैट भी ले आया, तो अब इसको मारते हैं। अभी तक इसने कुछ नहीं बताया, इसी की वजह से यार बड़ा काम ख़राब हुआ है, इसी ने हम ये मतलब सारा कुछ जानता है उनके बारे में। तो इसने हमें कुछ भी नहीं बताया कि डकन बोस कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, और अंडर वाटर जो माफिया वो कैसे आ रहा है। तो गाइज मैं अभी लेस्टर का वेट कर रहा हूँ, तो जैसे ही वो आएगा नहीं, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो गाइज मैं यहाँ पे लेस्टर के पास आ गया था, और मैं इस गाड़ी में आया था रेंज रोवर के अंदर जो माइकल ने फ्रैंकलिन को गिफ्ट की थी। तो गाइज यहाँ से हमने इस लेस्टर को भी ले लिया, अब जल्दी से हमने माइकल का एक दोस्त है उसके पास जाना, और उससे कुछ हमने मतलब वेपन वगैरह भी खरीदने हैं, कुछ गाड़ियां भी खरीदनी हैं ताकि हम डगन बोस और जो अंडर वाटर माफिया उससे पंगे ले सकें। तो गाइज मैं उस जगह पे आ गया, और मुझे कुछ टैंक नज़र आए हैं इस जगह के अंदर। तो अंदर जाके इनकी डील वगैरह करते हैं, और मैंने फ्रैंकली इनके पापा से कुछ पैसे लिए थे ताकि ये मैं सामान वगैरह ख़रीद सकूं। तो उन्होंने भी कहा कि यार मैं भी तुम बंदे भेज दूँगा तुम्हारी मदद के लिए। तो गाइज ये देखो यार कितना कमाल ट्रक है यहाँ, कितना कमाल टैंक है यहाँ पे, और ये वाइट वाला तो बहुत ही ज़्यादा उस समय। तो गैस लेकिन इससे मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे गाड़ियाँ चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन ये एक नहीं मुझे तीन गाड़ियों की ज़रूरत है। तो गैस एक सेकंड, यहाँ पे बहुत सारी कार है, तो हम ये वाली भी करवा लेते हैं और साथ एक टैंक भी करवाएंगे। तो गैस जल्दी से उसको पेमेंट करते हैं, और उससे कहते हैं हमें इसको लोड करवाए, और उसको जाके वहाँ पर छुपाते हैं। तो लेस्टर भी हमारे साथ आया, तो यही हमें जगह बताएगा जहाँ पर हम इसको छुपा सकते हैं, क्योंकि हमें तो उस जगह का नहीं पता, इस शहर के अंदर कोई भी जगह छुपने वाली नहीं, लेकिन लेस्टर को ऐसी जगह का पता है, इसी वजह से वो हमारे साथ है। तो गैस यहाँ पे मैंने लोड करवा ली थी तीनों गाड़ियाँ, तो अभी जल्दी से इसको मतलब है ना इसको ये इस ट्रक को इसके साथ हुक करते हैं और इसको लेके निकलते हैं। अब जल्दी से लेस्टर बैठ जाए बस, और इसने मुझे लोकेशन का बताना है, इसने अभी तक तो लोकेशन का नहीं बताया। तो गैस इसने मेरे मोबाइल पर लोकेशन सेट कर दिया कि यार इस जगह पर हमने जाके इस ट्रक को छुपाना, तो हमें पुलिस वगैरह से छुपाते हुए जाना, क्योंकि अगर मैं सिटी के अंदर ले कर ये ट्रक जाता हूँ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली, पुलिस वालों ने रोक के ये सारा का सारा ट्रक अपने कब्जे में कर लेंगे, तो हमारा पैसा भी बर्बाद होगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होगी। तो गाइस इस जगह पे मैं आ गया हूँ जहाँ पे फ्रैंक लेस्टर ने वो जगह ढूंढी थी,
तो ये बहुत सेफ़ जगह है उसने तो बताया, लेकिन मैं अभी जाके पहले बाहर देखूंगा कि यहाँ पे कोई बंदा है कि नहीं, और हम दोनों साइड से शटर नीचे कर देंगे। तो गैस यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा कि जिसको देखूँ, मुझे एक भी बंदा नज़र नहीं आया, लेकिन वो बाहर वाली साइड पर एक बंदा तो खड़ा मुझे नज़र आया। तो इससे पहले जाके कुछ बात करते हैं और इसको मार देंगे, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसके पास चलते हैं और इसको जाते ही पहले फुड़का देते हैं। तो गैस मैं तकरीबन इसको मार दिया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और नाने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।